नमस्कार, मैं मानस मिश्रा वाली न्यूज डेस्टिनेशन के खास प्रोग्राम डिबेट 360 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आत्मनिर्भर भारत के हथियारों से पाकिस्तान और चीन के उड़े चीथड़े, जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए हैं। जी हां साहब, आत्मनिर्भर भारत से पाकिस्तान चीन के चीथड़े उड़े, अमेरिका के भी अब हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और रसिया से जो भारत के रिश्ते खराब हुए थे उसको लेकर के भी यहाँ पर सनसनीखेज खुलासा होने जा रहा है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विश्व कहीं ना कहीं वैश्विक महाशक्ति बनने पर जो भारत को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी उसको लेकर के आज पाकिस्तान और चीन कि जो चीथड़े उड़ाने वाली खबर जो आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां पर भारत अपने आत्मनिर्भर यानी हथियारों से पाकिस्तान और चीन की बखेड़िया उधार गए। तो चलिए दिखाता हूं आपको पूरी की पूरी वीडियो, आखिर क्या है पूरी की पूरी खबर। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, बस अनुरोध करूंगा कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और जय हिंद जरूर लिखिएगा, क्योंकि आज भारत के और रशिया के जो रिश्ते लोग कह रहे हैं बिगड़ गए हैं, अरे हम कह रहे हैं कि रिश्ते तो बिगड़े हैं लेकिन भारत की स्थिति आज महाविश्व शक्ति पे जो वैश्विक महाशक्ति बनने का वो उस पर ठप्पा लग चुका है। तो शुरुआत करूंगा रंजीत से, और रंजीत से जानना चाहूंगा, उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में राय अपनी जरूर दें। मेरे हाथ में एक न्यूज़पेपर है, इसके ये लिया गया, ये आपके सामने जो मैं ये खबर दिखाने जाऊँ इसी का रेफरेंस में लिया गया है, जिसके बारे में आपको दिखाऊंगा मैं। रंजीत, क्या कहेंगे वैश्विक महाशक्ति से पाकिस्तान और चीन की हेकड़ी बंद कर दी है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने? देखिए, सबसे बड़ा बल होता है आत्मबल, और आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं होता। जब हमारे पास आज ताकत होगी, हथियार होंगे और खुद के हथियार होंगे, आज हम बात करते हैं अमेरिका की, ब्रिटेन की, चीन की, ये मजबूत क्यों देश हैं, ये ताकतवर देश क्यों हैं, क्योंकि किसी पर निर्भर नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं है। जो हथियार बनाते हैं ये खुद के लिए बनाते हैं और कोई इनके बारे में जानता नहीं है। आज हमारे पास हथियार जो भी हैं सब कर्ज तले दबे हुए हैं, कहीं उधार मांगे हुए हैं, किसी से मांगे हुए हैं, पुराने हथियार पड़े हुए हैं। आज उसके दम पर हम विश्व शक्ति नहीं बन सकते, हमें विश्व शक्ति बनने के लिए अपने आप खुद हथियार बनाना होगा और आज बना रहे हैं। रंजीत, मैं थोड़ा सा एक खबर दे दूँ इसमें से, 20 रिफॉर्म 2020 में भारत सरकार ने किए हैं रक्षा क्षेत्र में। 20 रिफॉर्म मतलब बड़े बड़े हथियारों का, जो अब तक हम रूस से मंगाते आते थे, अमेरिका पर निर्भर करते थे, वो भारत में बन रहे हैं और उसको लेकर के भारत वैश्विक महाशक्ति बनने का रास्ता साफ हो चुका है। 35,777 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात अब भारत कर रहा है, इसमें सैन्य हार्डवेयर और सिस्टम और इसके अलावा कई चीज़ें हैं। रक्षा निर्यातों में 84 देशों में पहुंच चुका है और तकनीकों के बदलाव के वायुसेना और नौसेना के नए तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है, यानी कि अब ये हो गया है। अमरीश से जानना चाहेंगे, अमरीश कैसे देखते हैं पूरे के पूरे मामले, जब पाकिस्तान और चीन, जो कि हम अब तक चीन और अमेरिका और रशिया के हथियार लेकर उनसे लड़ते थे, और क्या हम दूसरों का हथियार लेकर जीत पाएंगे? और दूसरी बात, आज जब हम खुद हथियार बना रहे हैं बल्कि हमारे हथियार विदेशों में भी जा रहे हैं, तो इन सब पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब से कि जो युद्ध का इतिहास है उसमें ही हम ये चीज़ पाते हैं कि जो शक्तिशाली है वही विजेता है, वही आगे रहेगा भी, उसका रिलीवेंस रहेगा। तो अगर हम अपने ही देश के पाकिस्तान के साथ युद्ध को थोड़ा याद करें, जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान से लड़ रहा था, उस वक्त रसिया ने हमें सपोर्ट किया, वो हमारा उनका संबंध था, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका ने हमको आँख दिखाया था कि हम तुमको नष्ट कर देंगे, उड़ा देंगे। उस वक्त अगर भारत के पास ऐसे हथियार होते जो अंदर से भारत को मजबूत कर सकते थे, तो अमेरिका कौन होता जो भारत को ये कहता कि हम तुम्हारा ये प्लान रोक देंगे, हम तुम्हारा ये मिशन रोक देंगे। दूसरी बात, ये बहुत जरूरी है, जो मोदी गवर्नमेंट में आने के बाद में उन्होंने जो इस पर अपना प्लान बनाया कि आत्मनिर्भर भारत को रक्षा क्षेत्र में भी लाना है, क्योंकि है क्या, अभी वर्तमान में विश्व युद्ध जैसे हालात बने या ना बने, लेकिन हथियार बहुत जरूरी है। जैसा कि चाइना है या नॉर्थ कोरिया को हम देखते हैं, इवन अमेरिका और इजराइल, आप इजराइल को देख लीजिए कि दांतों के बीच में जीभ है और वो हथियार के दम पर, आधुनिकता के दम पर ही बचा हुआ है, नहीं तो ये जो कुछ एक कंट्री जो उसको बर्बाद कर देना चाहते हैं वो हथियारों के बल पर ही बचा हुआ, चाहे उसका प्रयोग वो नहीं करता है। इजराइल और फिलिस्तीन का मैटर देखा जा सकता है, बिल्कुल पूरे मुसलमान कंट्री एक साथ आ गए थे, लेकिन इजराइल ने हमास का जो हालत किया है वो आज पूरी जग जाहिर है, और वो सिर्फ इसीलिए कर पाया क्योंकि उसने अत्याधुनिक हथियार बनाए। और जो इस्लाम जगत के लोग हैं, जैसे अर्दोगन है तुर्की के, ये इसी बात से चिढ़े हुए हैं। दिक्कत ये है कि इस्लाम के लोगों
ने अपने बच्चों को मदरसे में भेज करके केवल कुरान पढ़ाया, जबकि विज्ञान आपको पढ़ना होगा अगर आपको कंप्यूटर में जाना है, आपको हथियार बनाना है, आपको नए नए प्रयोग करना है, तो आपको सिर्फ अपना वो पुराना इतिहास जिससे आप घोड़े लेकर के तलवार लेकर के युद्ध करते थे उससे काम नहीं चलेगा। और ये वहां पर जाना नहीं चाहते, बस ये बैठ करके केवल डराने का काम कर रहे हैं। मतलब अब आत्मनिर्भर भारत बनने का एक सफल जो वो है, मैं आपको एक बड़ा खुलासा इसमें करूंगा आत्मनिर्भर भारत को लेकर के और रशिया से भारत के रिश्तों को लेकर के। लेकिन सबसे पहले चलते हैं विशाल की तरफ, विशाल से जानेंगे कि आखिर आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है जोश को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि भारत वैश्विक महाशक्ति की राह पर इस समय चल रहा है और जो 20 बड़े डील हैं, जो 20 बड़े जो समूह हैं, एक तरह से कहेंगे जो भारत के बने हुए अपने रक्षा सौदे हैं 2020 के, उसका भी एक बुकलेट जारी किया है। एक एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं कि जब तक भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कोई काम नहीं किया था, हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट थे अमेरिका पर कि वो हमें रडार सिस्टम देगा तभी हमारा काम होगा। जब भारत ने अपने आप की शक्ति को पहचाना और हमने काम किया, तो आज यूके, फ्रांस और ये इवन जापान, ये लोग हमसे अपने सैटेलाइट भिजवा रहे हैं क्योंकि हमने चीप रेट पे उनसे बेहतर काम करके दिखाया। तो अगर रक्षा क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भरता की जो बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह कर रहे हैं या मोदी जी कर रहे हैं, अगर उस लेवल पर जाते हैं तो कल को अमेरिका हमको ये नहीं समझेगा कि अच्छा भारत छोटा देश है इसलिए इसकी मदद करनी, वो सोचेगा कि भारत हमारे साथ आ जाएगा। एक मैं दर्शकों से पूछना चाहूंगा, अगर हमें विश्व महागुरु बनना और वैश्विक महाशक्ति बनना है, उसके लिए सबसे अहम चीज क्या होगी? हमें लगता है उसके लिए सबसे अहम चीज होगी कि हमें अपने हथियार खुद के बनाए हुए हथियार, क्योंकि आप समझिए, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए हमारा अमेरिका से और रशिया से अगर हम नीचे रहेंगे तो विश्व महाशक्ति कब बनेंगे? चीन आज जो बड़ा हुआ है वो चीन अमेरिका को आंख दिखा रहा है। तो भारत मान लीजिए किसी वक्त ऐसा आए कि अमेरिका, रशिया, चीन को आंख दिखाना पड़े, तो कैसे आंख दिखाएगा? रूस से कहेगा कि आप, क्योंकि आज के हमारे पास जो सिस्टम है 60% सिस्टम जो है डिफेंस का वो रूस लेते हैं। अब कल को हम युद्ध लड़ेंगे, मान लीजिए रूस से हमारी दुश्मनी हो गई, और या तो हम रूस से हमेशा नीचे रहेंगे, रूस से हमारी दुश्मनी हो गई तो क्या करेंगे? हम रूस से लड़ाई करेंगे और उससे कहेंगे कि हमारे को जो हम आपने हमारा सिस्टम दिया था उसका हम रिपेयर करने के लिए उन्हीं का आदमी आएगा। तो ऐसे में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और कैसे हम वैश्विक गुरु बन सकते हैं और कैसे वैश्विक महाशक्ति बन सकते हैं जब तक हम अपने घर में हथियार नहीं बनाएंगे? और दुनिया को बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा, तभी तो हम अमेरिका और चीन को चैलेंज करेंगे। और ये एग्जांपल के तौर पर हम देख भी सकते हैं कि जब भारत ने पाकिस्तान को हर युद्ध में परास्त किया है, वो किसी भी गवर्नमेंट के टाइम पर हो, लेकिन वार्ता में हम हर बार हारे हैं। ताशकंद में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और लौट करके वापस नहीं आते हैं, जबकि हम युद्ध जीते हुए हैं, हम पीछे क्यों हटे? श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो है बातचीत में कैसे हार गई युद्ध जीतने के बाद में? क्योंकि वहां पर थर्ड प्लेयर के रूप में रशिया था, क्योंकि डंडा उसी ने दिया था लड़ाई करने के लिए। तो जब डंडा उसका है तो वो अपनी राय रखेगा और उसके बाद में वो अपनी विदेश नीति भारत के कंधे पर गन रख के चलाता है। तो जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक कोई थर्ड प्लेयर हमको चलाता रहेगा। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली, विशाल आपकी तरफ आऊंगा। ये डंडा रख करके जब किसी दूसरे का डंडा लेकर हम चलेंगे युद्ध लड़ने, तो जाहिर सी बात है उसके डंडे के हिसाब से ही हमें काम करना पड़ेगा। आपको याद होगा F-16 विमान था जो अमेरिका को, पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया था। याद करिएगा जब अभिनंदन हमारे थे, अभिनंदन उस F-16 को दौड़ाते हुए और उसको मार गिराया था, लेकिन उसके बाद जब अमेरिका को पता चला कि हमने जो F-16 दिया था वो बिना हमारे इजाजत के अमेरिका ने उड़ा दिया है, तो अमेरिका ने क्या कहा था? अमेरिका ने कहा था हम बैन कर देंगे और इसके पास हमारे इंजन ब्लॉक करने तक का भी अधिकार है। अब ऐसे में हम ये सोचेंगे और बहुत सारे यहाँ पर चमचे और कुछ खास समुदाय के लोग आएंगे, वो कहेंगे हम बकवास कर रहे हैं, हम बकवास कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत कोई चीज ही नहीं है। लेकिन बता दूं आपको कि चीन आज जो कुछ है वो आत्मनिर्भरता के बल पर है और आत्मनिर्भरता के कारण ही है। विशाल आपकी तरफ आऊंगा। बिल्कुल, देखिए जहां पर चाह है वही राह है। आज हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, आज हम चाहते हैं कि जितने सैन्य उपकरण हैं हम भारत में निर्माण करें और आने वाले दिन में ऐसा हम करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने कभी सोचा ही नहीं था। हम तो गुलामी करते थे, हम तो रूस के भरोसे, फ्रांस के भरोसे, अमेरिका के भरोसे बैठे थे कि वो लोग हमें हथियार देंगे तो हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज हम सोच रहे हैं कल हम करेंगे, इस पर कोई दोहरी बात नहीं है। इसके पहले जिस तरह से हम सभी देशों से मदद लेते थे, हाथ फैलाते थे, आज वो दिन आने वाले नहीं है, क्योंकि
क्योंकि नरेंद्र मोदी ने देश को संभाला है। इसके पहले की सरकारें कमजोर थी, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, परिवारवाद जातिवाद यही सबको बढ़ाया और आज यही सब बढ़ा है। अगर ये लोग देश का विकास सोचते, सैन्य शक्ति बढ़ाने की बात करते तो भारत बड़ा बनता। लेकिन विशाल एक बात बताऊंगा और आप लोग करिएगा, आज ये वो आई है कि कोरोना की वैक्सीन जो है वो हमने विदेशों में भेज दी। आज विपक्ष हमारा कह रहा है कि विपक्ष हिंदुस्तान ने कोरोना की वैक्सीन विदेशों में भेज दी। अरे आज ये नौबत आई है कि भारत का वो बुक काम किया है कि आज विदेश के अमेरिका ने भी हमसे, उस टाइम पे जब ट्रंप थे और वहां महामारी बहुत जोर फैली हुई थी तो वहां पर ट्रंप ने खुद कहा था वैक्सीन देने के लिए और भारत ने भिजवाया था और ये महज कुछ महीनों में ही हो गया था और आज लोग कह रहे हैं कि मोदी ने विदेश में वैक्सीन क्यों भिजवाई। ये है आत्मनिर्भर भारत और यही है आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा ये सपना जो था पूरा हो रहा है। बात सुरक्षा की हो रही थी, मैं कहना चाहूंगा कि हम जब 1971 की जंग जीते थे लेकिन हारते 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 बचे थे, हम जंग हार रहे थे और कब जीते, जब हमें रूस ने मदद किया, जब रूस ने हम पे हथियार भेजे। अब सोचिए अगर हमें हथियार नहीं भेजे होते तो मेरा क्या हाल होता। 1999 कारगिल युद्ध हम हार रहे थे, हमारे ऊपर सेना थी पाकिस्तान की, हम तब भी जंग हार रहे थे, कब जीते, जब हमने वो फोर्स तो मंगाई दूसरे देशों से तब जीते। अब सोचिए अगर हमें दुनिया से अगर मदद ना मिलती तो हम कोई जंग नहीं जीत पाते, इसलिए हमें जंग जीतने के लिए हमें ये तोपें मंगाने जरूरत ना पड़े, ऐसा हम कर रहे हैं कि हम खुद बनाएं अपने यहाँ पर ताकि कोई देश हम पर हमला करने की कोशिश ना करे। हम चाइना से जंग क्यों हार जाते हैं बार बार, क्योंकि चाइना के पास हमसे ज़्यादा हथियार हैं, हमसे ज़्यादा ताकत है। अगर वही ताकत हमारे पास आ जाए तो चाइना की औकात नहीं कि चाइना हमको आंख दिखा दे। पाकिस्तान तो आज दूर खड़ा होता है, चाइना भी हमसे दूर खड़ा रहेगा। ये बात सही है कि अगर कुछ दिनों तक इस तरह से चलता रहा, आत्मनिर्भर भारत पे हम वर्क करते रहे, काम करते रहे, तो वाकई में भारत वैश्विक महाशक्ति बन जाएगा। आखिरी कमेंट्स आप सभी से चाहूँगा, शुरुआत करूँगा, आप बताएं। जी बिल्कुल, और जो आत्मनिर्भरता की शुरुआत रक्षा क्षेत्र में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से शुरू हुआ था, जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी थी लेकिन वो पीछे नहीं हटे, उसको एक नया आयाम मोदी सरकार ने दिया है और उम्मीद है कि जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत रक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है, अगर ऐसा हुआ तो कल को हम किसी तीसरे थर्ड प्लेयर की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, हम जो भी करेंगे खुद करेंगे और वही सबसे अच्छी संप्रभुता भी होगी, हम डट के लड़ाई भी लड़ेंगे और जब टेबल टॉक होगा तो वहां भी जीतेंगे। देखिए हमें विश्व शक्ति बनने के लिए हमें विश्व शक्ति जैसा बनना पड़ेगा, विश्व शक्ति जैसे सोच रखनी पड़ेगी। हम कब तक लोगों के सामने हाथ फैलाते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे या दूसरे के सड़े गले हम हथियार अपने यहाँ लेते रहेंगे। हमें हमारे पास वो क्षमता है, हमारे पास DRDO जैसी एक अभूतपूर्व क्षमता है, हमारे पास विश्व स्तरीय वैज्ञानिक हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, चांद पर अगर तिरंगा लहरा सकते हैं तो जमीन है यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें मौका मिलना चाहिए। आज मौका दिया है राजनाथ सिंह ने, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और देखिए आने वाले समय में भारत इतिहास रचेगा। बिल्कुल, भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए, खास तौर पर सैन्य समझौते पर, सैन्य रक्षा पर, क्योंकि जिस तरह से बार बार पाकिस्तान आंख दिखाता है हमारी ज़मीनों पर कब्जा, चीन कर रहा, बार बार पाकिस्तान कर रहा, अगर ही हमारी शक्तियां अच्छी होती, हमारे पास सैन्य उपकरण होते तो आज पाकिस्तान की हिमाकत न पड़ती। इसीलिए भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और सैन्य रक्षा मामले में आगे बढ़ना चाहिए। अब आपसे सभी से पूछना चाहूँगा कि भारत को आत्मनिर्भर जो भारत है, क्या ये मोदी सरकार या जो देश का सपना है, क्या ये सही है या नहीं है, जो विपक्ष इस पर बार बार सवाल खड़े करता है। इस वीडियो को यहाँ खत्म करूंगा, अनुरोध करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बने रहे ऑल इंडिया नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें, मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। UPSC के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के, इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें TV पे देखा लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।